उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। अच्छा अब सुने सुने, देखें अभी डीजल के ऊपर बाद में आते हैं, अभी आता हूं। सुने देखे नौजवानों, मुझे मौका नहीं मिलता आपसे हर रोज बात करने का, तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि इंसान जब किसी के सामने झुकता है वो अपनी इज्जत खो बैठता है, गैरत खो बैठता है, और जब एक कौम किसी के सामने झुकती है उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता, उस मुल्क के पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं करता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मैं आपको तारीख का वाकया बता रहा हूं, 628 और 629 मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सुपर पावर्स थी वक्त की, एक रोम की सुपर पावर और दूसरा ईरान में सुपर पावर थी। दुनिया उन दोनों सुपर पावर्स के बीच में बटी हुई थी, तो मुसलमान तो थोड़े से थे, अभी मुसलमान थोड़े थे, चंद हजार थे, तो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम लीडर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सुपर पावर्स के सरबरा को खत लिखते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से सच का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम उस पैगाम के ऊपर अमल करोगे ये तुम्हारी बेहतरी है, अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारी तबाही है। अब नौजवानों सुनाइए, वो सुपर पावर्स किधर थोड़े से मुसलमान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम हमेशा के लिए हमें दिया कि आप थोड़े भी हो, आप कमजोर भी हो, लेकिन जब तक आप में गैरत है दुनिया आपकी इज्जत करेगी। उन्होंने दोनों सुपर पावर के सामने हाथ नहीं फैलाया इमदाद मांगने के लिए, कर्जे मांगने के लिए, उन्होंने उनको पैगाम दिया, और दुनिया की तारीख इस चीज की गवाह है कि 8-9 सालों के बीच में दोनों सुपर पावर्स मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती है, ये दुनिया की तारीख में है। तो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में कि अपने नबी की सुन्नत पे चलो, उसके रास्ते पे चलो। तो नौजवानों आज सबसे पहला मेरा पैगाम ये कि सिर्फ एक खुददार कौम की दुनिया इज्जत करती है, वो कौम जो अपनी इज्जत नहीं करती उसकी दुनिया इज्जत नहीं करता। और मेरी जब से मैंने सियासत शुरू की 25 साल पहले, मेरा मंशूर देख लो, मैंने तीन चीजें कही कि सबसे पहले हम पाकिस्तान को एक खुददार कौम बनाएंगे, अपने पैर पे खड़ा करेंगे, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अमल करेंगे कि स्वाय अल्लाह हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे।